आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के सतना जिले में खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां वर्दी की आड़ में पुलिस कर्मियों द्वारा शराब तस्करों से शराब के साथ लाखों रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरी वारदात के बाद रीवा जोन आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी सतना धर्मवीर सिंह व रीवा एसपी राकेश सिंह द्वारा पूरे मामले का परीक्षण किए जाने के बाद सतना सिटी कोतवाली में रीवा सतना के दो आरक्षकों सहित चार लोगों पर लूट का मामला दर्ज कर लिया गया है। वर्दी को दागदार कर देने वाले इस पूरे मामले की जांच सतना जिले की मैहर एसडीओपी हिमाली सोनी को दी गई है। इधर पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए इस कारनामे के बाद पुलिस विभाग की अब जमकर किरकिरी भी हो रही है। हम आपको बता दें कि राजस्थान से सीधी जिले के लिए ट्रैक्टर में भूसे के नीचे छिपाकर शराब की खेप लाई जा रही थी, जिसे पकड़ने के बाद कार्रवाई का भय दिखाकर तकरीबन 4 लाख की रकम वसूलने और 35 पेटी शराब गायब किए जाने के मामले में दो आरक्षकों सहित चार लोगों पर सतना सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है। हम आपको बता दें कि मामला दर्ज होने के पूर्व ही इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड सतना पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक मयंक मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। घटना के संबंध में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सतना जिले के अमरपाटन थाना पुलिस ने शनिवार की रात शराब तस्करी के मामले में आरोपी रमेश जायसवाल पुत्र भूरा जायसवाल निवासी ग्राम खारा थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी, ट्रैक्टर चालक श्यामलाल जायसवाल पुत्र प्रदीप जायसवाल निवासी ग्राम बिजोरा टिकुरिया टोला सतना को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पुलिस ने तकरीबन 69 पेटी शराब जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। वहीं पुलिस द्वारा ली गई रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने खुलासा करते हुए बताया है कि जब वह शराब की खेप लेकर सतना शहर से बाहर निकल रहे थे, इसी दौरान उन्हें आरक्षक मयंक मिश्रा सहित एक TI और एक अन्य पुलिस कर्मी ने रोक लिया और शराब की खेप पकड़ी थी। इसी दौरान आरोपियों सहित ट्रैक्टर और शराब छोड़ने की एवज में आरक्षक मयंक मिश्रा ने 7 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद 4 लाख में लेन देन का सौदा तय हुआ, जिसमें 2 लाख रुपए सतना में जबकि 2 लाख रुपए रीवा में चुराहटा थाने में पदस्थ आरक्षक ने वसूले थे। साथ ही मयंक मिश्रा सहित पुलिस कर्मियों ने तकरीबन 35 पेटी अंग्रेजी शराब भी उतार ली थी। शराब तस्करों द्वारा किए गए इस खुलासे के बाद पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले को संगीन अपराध माना है। इस अपराध में रुपए के लेन देन का खेल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के धवारी इलाके में हुआ, इसलिए मामला सिटी कोतवाली में दर्ज कराया गया। इसमें बतौर आरोपी निलंबित आरक्षक मयंक मिश्रा जिला पुलिस बल रीवा के चुराहटा थाने में पदस्थ आरक्षक शुभम द्विवेदी और एक प्राइवेट व्यक्ति सहित वीरेंद्र द्विवेदी के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं व भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इन सभी पर आरोप है कि शराब का अवैध परिवहन करने वालों को कार्रवाई का भय दिखाकर निलंबित आरक्षक मयंक मिश्रा ने अपने साथियों को फर्जी पुलिस अधिकारी बताकर 2 लाख रुपए सतना में और रीवा में आरक्षक शुभम द्विवेदी ने 2 लाख रुपए वसूले। अब पुलिस इन आरोपियों के गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि इस पूरे मामले में आरक्षकों ने विभाग की किरकिरी कराई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से सीधी जिले तक काम करने वाला यह गिरोह पहले भी शराब की खेप ला चुका है। सामान्य तौर पर भूसे की ट्राली जिस तरह से भरी होती है, उस तरह से आरोपी ट्राली भर कर नहीं लाते थे। अब पुलिस पकड़े गए शराब तस्करों से जानकारी जुटाकर इस कारोबार में लिप्त अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।